हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल वेदन उल्लेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए कुकुम्बर मीन्स ककड़ी का रायता। तो यहाँ मैंने एक ककड़ी ली है, अब मैं इसे अच्छे से छील लूँगी। ये देखिए, अब मैं इसे अच्छे से छील लूँगी। ये देखिए, आप जैसे जानते हैं ककड़ी में हमारे बहुत ज़्यादा विटामिन ए होते हैं और ये हमारे जो मिनरल्स और विटामिन से भरपूर मात्रा में होते हैं। ये देखिए, अब मैंने इसे छील लिया है। अब मैं इसमें को अच्छे से क्रश कर लूँगी, मीन्स इसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। और ये देखिए, ऐसे मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखिए, और आप देखिए, अगर इसमें से आपको बीज नहीं चाहिए तो आप इसमें से बीज को हटा सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये बीज में से इसके बीज को निकाल दिया है और फिर मैंने इसे कद्दूकस किया है। ये देखिए, ये देखिए, आप ऐसे फिर से आप बीज आ गया, फिर से इसे हटा दीजिए। ये देखिए, यहाँ मैंने ऐसे निकाल दिया है चक्कू से। अब ये मैंने इसे अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। ये देखिए, ये कद्दूकस हो चुका है मेरा। अब मैं इसे साइड में रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक बाउल लूँगी, इसमें मैं ऐड दही करूँगी। ये मैंने दही को ऐड किया है। दही आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग लीजिएगा, या फिर आपके जितने माने ककड़ी आपने जितनी ली है उसके अकॉर्डिंग आप दही लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है दही। अब मैं इसे अच्छे से फेंट लूँगी। ये देखिए, ये फेंट चुका है मेरा। अब मैंने इसमें ऐड किया है नमक। ये देखिए, सादा नमक मैंने ऐड कर दिया है और मैं इसे अच्छे से अब फिर से फेंट दूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे जो मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ है मेरा ये ककड़ी, और ये मैंने इस पर ऐड कर दिया और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, ये ऐसे आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रेंड्स हमारे जो मैंने भूजी हुई जीरे पाउडर लिया है। जीरे को मैंने रोस्ट कर लिया है और उसको मैंने पीस लिया है। ये जीरा पाउडर है और ये अब लिया मैंने काला नमक। नमक का बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि हम पहले भी नमक ले चुके हैं। और मैं इसे अच्छे से अब फेंट दूंगी। ये देखिए, ये हो गया है मेरा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हमारा चाट मसाला। ये चाट मसाला ऑप्शनल है, आप ऐड भी कर सकते हैं। अगर घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें आपके नमक जीरा सब डला हुआ है तो ये चाट पाउडर मैंने डाल दिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, अब मैं लूँगी एक कढ़ाई। ये देखिए, एक पैन लिया है मैंने। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून ऑयल लिया है और ये मैंने डाल दिया इसमें राई के दाने। ये देखिए, राई के दाने फूट गए हैं हमारे। ये देखिए, आप चाहे तो अपने घी भी ले सकते हैं, पर घी थोड़ा जम जाता है इसलिए मैंने ऑयल लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी देखिए कड़ी पत्ता। ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ें आ रही है, ये कड़ी पत्ता पटक गया। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी हमारे जो हरी प्याज होती है ना कांदा पूरी के, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये अच्छे से मैंने इसे चला लेना है। ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारी हल्की सी लाल मिर्च पाउडर। ये देखिए, लाल मिर्च पाउडर, आपको जितना तीखा चाहिए रायता आप उसके हिसाब से लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। अब मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। ये देखिए, और मैं अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये देखिए, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं जैसा मैंने बताया आपको, पर घी क्या थोड़ा जम जाता है अगर आपको ठंडा खाना है तो। ये हो चुका है, अब मैं इसे अपने ये बाउल में डाल दूंगी दही वाले। ये देखिए, मैंने डाल दिया और ये मेरा रायता रेडी है। और इसे आप चाहे तो, अगर कोई मेहमान अभी सडनली आ रहा है तो 1 आइस क्यूब आप डाल के यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे थोड़ा फ्रिज में रख के ले सकते हैं। ये देखिए, मेरा रायता रेडी है फ्रेंड्स। कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा कि कैसा बना।